आज हम एक बड़ा सा टेस्ट करने जा रहे हैं। टेस्ट आज हम सारी चीजें इसमें से पूछेंगे जो हमने अब तक पढ़ाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले एड 2.5 प्लस 3.28 प्लस 6.430। क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब उसको सॉल्व करना ही होता है। 2.5 माइनस 1.24 प्लस 6.235। क्वेश्चन 3, फाइंड एच सी एफ हाफ, यानी आपको एच सी एफ निकालना है 20, 30 एंड 60 का। आपको करना क्या है, वीडियो रोक करके ये क्वेश्चन कॉपी कर लेने हैं और फिर आगे जाना है। पहले पूरा पेपर आप कॉपी करोगे और फिर सॉल्व करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एलसीएम ऑफ 25, 50 एंड 100। क्वेश्चन 5, फैक्टराइज, इसका मतलब आपको फैक्टर करना है 40 का और 65 का। क्वेश्चन नेक्स्ट 6 है, सिंप्लीफाई, फोर हंड्रेड डिवाइड बाय 30। क्वेश्चन 7, डिवाइड, डेसिमल के बाद तक ही 3 डिजिट तक डिवाइड करना है, 22 डिवाइड बाय 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 3.25। क्वेश्चन 9, कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब सॉल्व करें। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। अभी पिछली क्लास में ही मैंने बताया था, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने, उसमें से आपके पास गिवन है प्रिंसिपल, गिवन है 4000, रेट गिवन है 10% और टाइम गिवन है 2 इयर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एवरेज ऑफ टू फोर सिक्स एट एंड 10। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड डायमीटर इफ रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको
डायमीटर पता करना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 12, फाइंड रेडियस इफ डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, फाइंड डायमीटर इफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। इसमें से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फाइंड का मतलब पता लगाना है, डायमीटर निकालना है, इफ का मतलब होता है यदि, रेडियस गिवन है 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये 14 क्वेश्चन का पेपर है, आपको एक बार दोबारा दिखा देते हैं पेपर शुरू से। ये है, सबसे पहले तो आपको ऐड करना है, पॉइंट वाला एडिशन है, आपको बताया था इसके बारे में। और यदि कोई बात नहीं समझ में आती तो आप पुराने वीडियोस को देखें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। ये जरूरी नहीं है कि बड़ा जल्दी में इसको सॉल्व करें। नहीं समझ में आता कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो पुराने वीडियोस में बात बताई गई है। HCF निकालना भी हमने बताया था, उसको भी पुराने वीडियो से आप देख सकते हो यदि याद नहीं है। यदि याद है तो कोई बात ही नहीं। LCM निकालना, फैक्टराइज करना भी बताया गया था, सिंप्लीफाई करना मतलब कट करके जितना सिंपल हो सके उतना रखो, डेसिमल में जाने की जरूरत इसमें नहीं है। ऐसे ही ये है, इसमें डिवाइड करना है लेकिन तीन प्लेस तक, डेसिमल के बाद डिवाइड नहीं होता, तो डेसिमल के बाद भी डिवाइड करते रहना है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे मान लो कि 15 को हमें 7 से डिवाइड करना हुआ तो 7 टू जब 14 आया, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 और फिर यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगे 10 हो गया, तो 7 वन जा 7, फिर आ गया यहाँ 3, तो एक 0 फिर लगा दिया, 7 फोर जा 28, फिर यहाँ 2 आ गया तो एक 0 लगा दिया, 7 टू जा 14। इस ढंग से आपको 3 डिजिट तक इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो ये बात भी समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करना है। आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई पहले नॉर्मल कर लेंगे, फिर डेसिमल के बाद के डिजिट काउंट करेंगे, वो रख देंगे। वो आपको नहीं समझ में आएगा तो पुरानी वीडियो देखिए आप। फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने तरीका आपको बताया था, अभी पिछले वीडियो में ही था, उसको देख करके आप उसको करें। और अगला है एवरेज। एवरेज फाइंड करने के लिए हमने पहले तरीका बताया था कि कैसे करते हैं एवरेज। एवरेज क्या होता है, इसको मीन भी बोलते थे, पुराने वीडियो को देखें और उसको समझने की कोशिश करें। इसके बाद है फाइंड डायमीटर। डायमीटर कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। यदि आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा वीडियो देखें। अगला है, वही क्वेश्चन हमने फिर से रिपीट किया है कि फाइंड रेडियस इफ डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर, फिर फाइंड डायमीटर इफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। सिंपल सा सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। और एक सवाल हम इसमें और ऐड करना चाहेंगे कि फाइंड सर्कमफेरेंस इफ रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस भी, ये 15 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब है टोटल मार्क्स 60 और इसके लिए टाइम है, इस पेपर को करने के लिए आपको 1 आवर और 30 मिनट्स लेना है, ठीक है, और प्रॉपरली सॉल्व करके इसको देना है। इसके बाद आपको आपके मार्क्स बताए जाएंगे। और जिनके पास मतलब ये चेक कराने के लिए चेक कराना है आपको और आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो मुझे उस पर नीचे कमेंट में लिख देना
कि हम कैसे भेजें, तो मैं वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पेपर भेज सकते हैं और मैं उसको चेक कर दूंगा। थैंक यू।